परमेश्वर में पुत्र पिता के साथ खेल रहा होता है तो कभी कभी वो ऐसी हरकत करता है कि बाप को कुछ कहना पड़ता है। कांधे पे खड़ा हो गया, पुत्र कांधे पे खड़ा हो गया, बेटा तब इतना के यूं बोला, कांधे पे खड़ा हो गया बेटा तब इतना के यूं बोला, बापू अब मैं बड़ा हो गया। कांधे पे खड़ा हो गया बेटा तब इतना के यूं बोला, बापू अब मैं बड़ा हो गया। बाप ने भी उस स्नेह को देखते हुए क्या कहा, पुत्र को समझाने के लहजे में, गलत फहमी में भले ही रहना, गलत फहमी में भले ही रहना पर हाथ मजबूती से पकड़े रहना, क्योंकि वो कहां है। गलत फहमी में भले ही रहना पर हाथ मजबूती से पकड़े रहना, अगर हाथ तेरा तुझसे छूट गया, अगर हाथ तेरा मुझसे छूट गया तो ये सपना जो है तेरा टूट जाएगा। क्यों इतने बात कह के दूसरे उसमें कहता है कि हकीकत की जमीन पे बाप जो है पुत्र को कह रहा है, एक मिनट, पिता धीरे से समझाता है कि हकीकत की जमीन पे जब तू खड़ा हो जाएगा, वाह अभी तो कह रहा है कि बापू में बड़ा हो गया, हकीकत की जमीन पे जब तू खड़ा हो जाएगा तो उस दिन तू मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। और हकीकत की जमीन पे जब तू खड़ा हो जाएगा तो उस दिन तू मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। सौंप कर अपना सब कुछ, वाह और कह रहा है पिता सौंप दी ना विरासत, सौंप कर अपना सब कुछ, ये तेरा बाप तेरे कांधे पे है गौतम, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा जब होगा दुनियादारी से रूबरू, तू सच में कि तू मुझसे बड़ा हो जाएगा, सच में तू मुझसे बड़ा हो जाए। और एक छोटी सी रचना, अक्सर खाने कमाने की होड़ में बेटा अपना घर छोड़ देता है, वर्मा तो नहीं लगता लेकिन उसे बैठे बैठे ही याद आती है, तो पिता का जो प्यार है उसे याद आता है, तो क्या कहता है पुत्र बैठा हुआ है कि जीवन भर ठंडी छांव जो मुझ पे करता रहा, जीवन भर ठंडी छांव जो मुझ पे करता रहा, खुद तपती धूप में जो जलता रहा, कड़कती ठंड हो या कोई भी तूफान, कड़कती ठंड हो या कोई भी तूफान, पिता के रूप में सदा मेरा बाबा बनता रहा, जीवन भर ठंडी छांव जो मुझ पे करता रहा। बरस हुए, बस तो हो गए, पिताजी गांव में हैं, हम शहर में हैं, पुत्र बड़ा होने लगा तब पिता की याद आने लगी, बरस हुए नहीं हुई उनसे जीवन बात, बरस हुए नहीं हुई उनसे जीवन बात, वक्त के हाथों कैद हो गए अब ये सब हालात, वक्त के हाथों कैद हो गए अब ये सब हालात, देखा जो स्नेह से आज मुझे एक बार, देखा जो स्नेह से आज मुझे एक बार,
उनकी आंखों से जैसे हो गई बरसात, उनकी आंखों से जैसे हो गई बरसात, जीवन भर इस प्यार के लिए मैं तरसता रहा, जीवन भर इस प्यार के लिए मैं तरसता रहा, जो खुद तपती धूप में सदा जलता रहा, मेरे लिए वो बागबान हमेशा बनता रहा, मेरे लिए वो बागबान हमेशा बनता रहा। अब सामने बैठे हैं हमारे पिताजी, परसों बाद आए तो हमारे वो दिन याद आए कि जब कहते थे बापू जूते नहीं है तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और हमारे पिताजी इन चप्पलों की तरफ ना देखते हुए हमारे लिए कहीं से भी जूते लाते थे। आपकी प्रेरणा से लिखी है कीमत अपने नए जूतों की, कीमत अपने नए जूतों की मुझे तब पता चली, पिताजी की जूतियों की जो देखी फटी तली। कीमत अपने नए जूतों की मुझे तब पता चली, पिताजी की जूतियों की जो देखी फटी तली, कैसे होती होगी पूरी हर मांग तब हमारी, कैसे होती होगी पूरी हर मांग तब हमारी, बच्चों की जब हमें उनकी हर जरूरत पता चली, बच्चों की जब हमें उनकी हर जरूरत पता चली, पहले बात उनकी हर जरूरत जब मैं पूरी करता रहा, खुद भी मैं तपती धूप में यूं ही जलता रहा, खुद भी तपती धूप में मैं यूं जलता रहा। आखिरी मतलब इस करता हूं, अब वो मिठास कहां, कल्पना की है, अब वो मिठास कहां इस महंगे खान पान में, जो आसन ले रहे हैं अब वो पहुंचना जहां मैं पहुंचा रहा हूं, और पहुंच जाओ, और अगर आप पहुंच जाए तो मेरा वो करना, अब वो मिठास कहां इस महंगे खान पान में, मिलती है जो उस शहर की महंगी दुकान में। बहुत अच्छे, आज जो हम देखते हैं कि जाके बड़ा दिन ले आते, तो अब वो मिठास कहां महंगे खान पान में, मिलती जो अब इस शहर की महंगी दुकान में, याद आती है अक्सर वो नुक्कड़ की जलेबियां, याद आती है अक्सर वो नुक्कड़ की जलेबियां, लाते थे महीने की पागार से और खाते थे बैठकर कच्चे दलान में, और खाते थे बैठकर कच्चे दलान में, गौतम मीठे बचपन को अब मैं तरसता रहा, गौतम मीठे बचपन को अब मैं तरसता रहा, अब कड़वे बोल अपनों को ही सुनता रहा, अब कड़वे बोल अपनों के ही सुनता रहा, जीवन भर ठंडी छांव जो मुझ पे करता रहा, और खुद तपती धूप में जो चलता रहा, कड़कती ठंड हो या हो कोई भी तूफान, वो पिता के रूप में मेरा बाग बनता रहा, पिता के रूप में मेरा बाग बनता रहा।